हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सलाड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जितने भी साउथ बलूचिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, ये पर्टिकुलर वीडियो उनके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि इनका जो डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग एंड सपोर्ट प्रोग्राम है, जिसके तहत आपको 1500 जो है वो स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, तो इसमें आपने कैसे अप्लाई करना है। हालांकि मैंने दो वीडियोस ऑलरेडी जो है वो अपलोड की हैं, जिनमें मैंने रजिस्ट्रेशन से लेकर इनरोलमेंट का पूरा प्रोसेस बताया था कि हमें कैसे अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, कैसे हमें जो है वो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है। इन केस आप अगर फर्स्ट टाइम डिजी स्किल्स से कोर्स कर रहे हैं, तो दो वीडियोस वो आपको एनी हाउ देखनी होगी, क्योंकि उसके बाद ही आप ये जो थर्ड वीडियो है मेरी रिगार्डिंग सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से, इसमें आप इनरोलमेंट कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये जो है वो स्पेशली प्रोग्राम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ साउथ बलूचिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। टोटल जो सीट्स हैं वो 2000 सीट्स हैं, जो कि एलोकेटेड की गई हैं बलूचिस्तान के इन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खुसदार, यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत एंड यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर। ठीक है, यू कैन इनरोल इन एनी टू कोर्सेज फ्रॉम द ऑफर फ्री कोर्सेज इंक्लूडिंग फ्री लांसिंग इन केस यू आर इनरोलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अगर तो आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर एनरोल कर रहे हैं, तो एक आपने फ्रीलांसिंग का कोर्स चूज़ करना है, दूसरा आप अपनी चॉइस से चूज़ कर सकते हैं। आपका ये जो सारा क्लासेस का जो है वो सिस्टम सारा ऑनलाइन होगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि असाइनमेंट किनको दिया जाएगा, उन सारे ट्रेनिंग्स को जो कि कंप्लीट करेंगे या यूटिलाइज़ करेंगे, जो फिज़िकल फैसिलिटीज़ होंगी ना, उनको जो यूटिलाइज़ करेगा उनको स्टाइपेंड दिया जाएगा। अब यहाँ पर तीन स्टेप्स हैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए। एक तो ये है कि आपने पहले रजिस्टर करना है इनकी वेबसाइट पे अपनी वैलिड ईमेल एड्रेस से, उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। ठीक है, ये जो है वो रजिस्ट्रेशन का जो है वो लिंक है, यहाँ से हम देखते हैं। देखें, ये जो है वो रजिस्ट्रेशन का लिंक है। अब यहाँ से हम थोड़ा नीचे आते हैं, तो यहाँ पर सिंपली आपने अपना नाम लिखना होता है, अपना लास्ट नेम, अपनी ईमेल एड्रेस और एक पासवर्ड आपने लिखना होता है, उसके बाद सबमिट करना होता है। ये छोटा सा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन के लिए। आपके पास एक ईमेल आएगी, उस ईमेल से आपने अपने अकाउंट को करना है वेरीफाई। ठीक है, जैसे इस तरह की जो है ना वो ईमेल आएगी आपके पास, तो इस ईमेल से आपने अपने अकाउंट को करना है वेरीफाई। उसके बाद आपने क्या करना है, अब हम वापस चलते हैं। ठीक है, अपने उस मेन डैशबोर्ड में। अब यहाँ पर जो सेकंड स्टेप होगा ना, उसमें कह रहे हैं कि आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, जो कि मैंने सेकंड वीडियो जो अपलोड की थी ना, फर्स्ट वीडियो में मैंने रजिस्ट्रेशन का बताया था और सेकंड में एनरोलमेंट का, सॉरी जो फर्स्ट वीडियो है ना उसमें मैंने बताया था कि प्रोफाइल को कैसे कम्प्लीट करना है, तो वो वाली वीडियो देख के आप अपनी प्रोफाइल को कम्प्लीट करेंगे। उसके बाद आप होम टैब में आएंगे, तो आपके पास एक पॉपअप शो होगा जिसमें लिखा होगा कि क्लिक हेयर फॉर द एनरोलमेंट थ्रू डिजिटल स्किल्स एंड ट्रेनिंग सपोर्ट प्रोग्राम फॉर साउथर्न बलूचिस्तान। तो आपने उस पर क्लिक करना है, एक नया फॉर्म आपके पास ओपन होगा, जिसमें आपने अपनी इमेजेस यानी कि CNIC की फ्रंट और बैक साइड आपके CNIC की अपलोड करनी होगी, या आपने अपना बेफॉर्म अपलोड करना होगा, ताकि आपकी जो आइडेंटिटी है उसको जो है वो वेरीफाई किया जाए कि वाकई आप जो है वो साउथ बलूचिस्तान से है। उसके बाद आपने थर्ड जो स्टेप है, आपने क्या करना है, दो कोर्सेज में इनरोलमेंट करनी है। ठीक है, इनरोल नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके और आपने दो फॉर्म में इनरोलमेंट करके सेव करना है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आवर टीम विल वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स रेजिडेंट प्रूफ एंड विल अपडेट योर इनरोलमेंट स्टेटस ऑन LMS। तो आपकी जो है वो जैसे आप यहाँ पर सेव करते हैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, तो विद इन 2 to 3 days आपका ये जो प्रूफ है यानी कि डॉक्यूमेंट का, वो ये वेरीफाई करेंगे कि वाकई आप साउथ बलूचिस्तान से हैं और आपका जो LMS है उनको अपडेट किया जाएगा। ठीक है, बाकी ये है कि यहाँ पर ये तीन नंबर्स दिए हुए हैं हर एक यूनिवर्सिटी के, यहाँ से आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर कोई चीज़ इनसे पूछनी हो, और ये सिर्फ़ और सिर्फ साउथ बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो बाकी इस स्टाइपेंड का जो प्रोग्राम है इसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे बाकी प्रोविंस के स्टूडेंट्स, तो ये जल्द से जल्द आप जो है वो इसका फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं और तीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। अगर कोई और क्वेश्चन है तो नीचे आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट का जवाब दूँ।